बीपीएससी 69 मेंस का एग्जाम देना है। आपके मेंस के एग्जाम और आपके बीच में एक बड़ा हर्डल जो है ना, उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। वो हर्डल है मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग वो हर्डल है। आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करोगे ना तो कितना भी पढ़ के जाओगे कोई फायदा है नहीं। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि बड़ा ही बहुत आपके पास समय है, जो ट्रेडिशनल वे है आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट का वो कर लीजिए। वो करने में तो दिक्कत है। हम लोग आंसर राइटिंग को कुछ एक टुकड़े में आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे आप उसको इंप्रूव करो। तो बहुत ही क्विक इंप्रूवमेंट टिप्स के साथ आंसर राइटिंग आपको बताया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और कुछ आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको जो कह रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, उस पर आप कम से कम 2 दिन काम कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही आपको चीजें सब करनी पड़ेंगी, अदर इतना समय है ही नहीं। तो आप में से अभी जो भी इस इंतजार में है कि रिजल्ट आएगा या पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे, अगर ऐसा कुछ है और थोड़ी भी पास करने की संभावना है तो फिर कंफर्म रहिए कि आप, मतलब ये 100% श्योर है कि आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट की तैयारी करना शुरू कीजिए। सवाल है, कोई भी क्वेश्चन होगा, अभी हम एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बताने वाले। अभी आपको 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन में क्या करना है वो हम बता रहे हैं। देखो, इंट्रो किसी में भी होता है, बॉडी किसी में भी होता है, कंक्लूजन किसी में भी होता है, ये तीनों तो होता ही होता है। इसमें देखिए ठीक से, इसको लगभग 15% जो भी वर्ड लिमिट है, 15% यहां टोटल, इधर 17% हो गया ना। इसके अंदर आप निगेटिव आस्पेक्ट भी लिखोगे, पॉजिटिव आस्पेक्ट भी लिखेंगे, इसके अंदर आप कंपेयर भी करेंगे, तुलना भी करेंगे, इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स भी देंगे, ठीक है, वो सब करेंगे, यानी नकारात्मक सकारात्मक कंपेयर तुलना एग्जाम्पल्स वो सब देंगे इन 70% में। अब यहां पे दो अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगेगा 3 चीज डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। आपको ये लगेगा कि जो 70% है इसके अंदर का कुछ हिस्सा पता चल जाता है। देखो, क्वेश्चन कैसा भी पूछे, अगर आलोचना नहीं वर्ड डाला गया है तो कंफर्म रहिएगा क्वेश्चन कैसा भी होगा इसकी हम बात कर रहे हैं, 20-30% तो आपको क्रिटिसिज्म करना है, यानी निगेटिव बोलना है, ठीक है। अगर आलोचना वर्ड नहीं है, आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचना क्रिटिसिज्म वर्ड नहीं है, फिर भी आपको उसके निगेटिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके उसके मतलब उसका जो बुरा पक्ष है या उसके कारण जो नुकसान हो रहा है, जो भी अलग अलग सवाल का अलग अलग होता है, तो वहां पे उसको आपको उस निगेटिव आस्पेक्ट को लिखना ही है, तो वो लिखना ही है, उसे आप बच नहीं सकते। तो आपकी इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर 20-30% तो निकल गया ना, 20-30% निकल गया। इसके अलावा एक और काम आपको करना है, अगले 25 क्वेश्चंस पे मेंस के आंसर राइटिंग करने के पहले और जो काम करना है, दैट इज फॉर्मेटिंग। और कम से कम आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस पे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग में इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन नहीं दिख रहा, इसमें इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन तीनों पे आप क्या लिखना चाहते हैं पॉइंट्स, रफ तरीके से लिखिए। पहले जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पॉइंट्स को रफ तरीके से लिखिए। मान लो ये 8वें नंबर का है, इसको आप दूसरे में डालना चाहते हो, दूसरे को 6ठे पे डालना चाहते हैं, फिर इसको रीअरेंज कीजिए। ऐसा आपको कम से कम 25 पे करना है, कम से कम 25 क्वेश्चन पे फॉर्मेटिंग का काम करना है। 2 काम हो गया ना, तीसरा काम, एक क्वेश्चन है आपके 68 में पूछा ही गया था, भारतीय राष्ट्र क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए और स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। यहां पे जो टर्म यूज किया गया है वो किया गया है नेशनल मूवमेंट का इमरजेंस, ठीक है, इमरजेंस, और इस इमरजेंस का भी क्या फैक्टर, इस इमरजेंस का भी फैक्टर, यानी नेशनल मूवमेंट जो हमारा था उसके उदय के कारण, और इस नेशनल मूवमेंट ने यानी राष्ट्रीय आंदोलन ने
इस राष्ट्रीय आंदोलन ने फ्रीडम स्ट्रगल को कौन सी दिशा दी? ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल को कौन सी दिशा दी? आपको यहां पे क्या पकड़ना है? अब आपको काम क्या है, अगला जो क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन अभी नहीं लिखना है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा नहीं लिख के जैसे नेशनल मूवमेंट का इमर्जेंस, उदय कैसे हुआ, उसका कारक बस पॉइंट फॉर्म में लिखिए, इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए। इमर्जेंस का कारक क्या है, फैक्टर क्या है, सिर्फ उसको लिखिए। फ्रीडम स्ट्रगल में उस इमर्जेंस ने, यानी नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का जो इमर्जेंस हुआ, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन का जो इमर्जेंस था उसने, ये क्या है, नेशनल मूवमेंट क्या है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो ये जो इन मूवमेंट्स था वो फ्रीडम स्ट्रगल को कौन सा डायरेक्शन दिया, एक्सट्रीमिस्ट वाला क्या डायरेक्शन दिया, या गांधी वाला जो फेज था उसका क्या डायरेक्शन था? तो जो भी डायरेक्शन था, रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन क्या थी, तो नेशनल मूवमेंट का आपको क्या करना है, उदय के कारक, चुपचाप कारक लिखना है, और उसका फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह का, उस फैक्टर ने फ्रीडम स्ट्रगल को कौन सा डायरेक्शन दिया, कौन सी दिशा दी, उस दिशा के बारे में सिर्फ पॉइंट फॉर्म में लिखना है। और ये काम अगर आप कम से कम 15 क्वेश्चंस में कर लेते हो ना, 15 क्वेश्चन में कर लेते हैं ना, तो आप बैलेंस में आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पता है क्या, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि आप आंसर नहीं लिख सकते हो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्वेश्चन कुछ भी और आंसर कुछ भी, डिमांड कुछ भी और सप्लाई कुछ भी, इसी के कारण आपको लगता है हमने बेस्ट आंसर लिखा है और नंबर नहीं मिलता है। तो तीन काम आपको अगले 2 से 3 दिन करने हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रो और बॉडी की, कंक्लूजन की। अभी आपको क्या करना है, पहला काम जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म नहीं है, तो 20-30% निगेटिव पॉइंट होंगे ही होंगे, वो आप ढूंढ लीजिएगा, उतना लिखना है, इतना कम हो गया आपका। फॉर्मेटिंग आपको इस तरह से करनी है 25 क्वेश्चंस में, और फॉर्मेटिंग करना अपना आप करो। उसके बाद पॉइंट क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं उसी में उनका जो कीवर्ड है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप पॉइंट लिखिए। जैसे इमर्जेंस फैक्टर, कीवर्ड लिखिए, फ्रीडम स्ट्रगल का डायरेक्शन, कीवर्ड लिखिए। ये काम अभी आपको लगातार 15 क्वेश्चंस में करना है, 2-3-4 दिनों में, 3 दिन में भी कर लो तो बहुत है, समय कम है, जल्दी करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग इंट्रो एंड कंक्लूजन की बात करेंगे, ठीक है? तो इसको कीजिए, और आंसर राइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, इसमें कोई लापरवाही और कोताही नहीं चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।